कैसा हो? लोग तो आगे में कौन नीड है? आज हम फिर से खेलने वाले हैं डब्ल्यू डब्ल्यू मही। मुझे क्या को याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने एक्सम ने डॉब जिगलर को हरा दिया था। तो रेडी हो जाओ, चलते हैं उसके आगे के लिए और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने को क्या कुछ करने को यहाँ पे मिलता है। तो मैं जा रहा हूँ इन डेमस में और मुझे यहाँ पे द मैन है फिन बैलर दिखा रहा है, तो मुझे इसी को डिफीट करना है आज की वाली वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं सबसे ज़्यादा अपने पावरफुल चार सुपर स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें कि मेरे यहाँ पे रिकोचेट है, जैक रॉबर्ट है, लेक्स लुगर और गोल्ड बर्ग है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे मैट हार्डी दिखा रहा है, चार तरफ से रास्ते दिखा रहे हैं, बट मैं यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ से जाने वाला हूँ। एंड में मुझे यहाँ पे देख सकते हो फिन बैलर दिखा रहा है, उसके पहले ब्रेवाइट वगैरह भी हैं। तो मैट हार्डी से मैं चलता हूँ यहाँ पे, और मैट हार्डी से मुझे लग रहा है अपना लेक्स लुगर ही लड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इसके सामने और मज़ा भी आएगा यार मुझे लेक्स लुगर से मैट हार्डी को हराने में। चलो ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग वगैरह तो एंड हो चुकी है। मैंने इसको यहाँ पे मारना भी स्टार्ट कर दिया, जल्दी से मैं इसको हरा दूंगा। मेरी पिन बॉल बॉम्ब चार्ज हो जाए जल्दी से, क्योंकि यार टाइम लगा रही है थोड़ा चार्ज। इसी ने मुझे मार दिया, बट मैं रिवर्सल दूंगा। ले भाई, तूने क्या सोचा था मैं रिवर्सल नहीं दे सकता हूँ? रब इसको लगी यहाँ पे रनिंग बुलडॉग, बहुत ज़्यादा जोर से लगी भाई, 880 का डैमेज लगा इसका बिल्कुल ही। जल्दी से मुझे लगता है ये स्टन ही होगा, डायरेक्ट स्टन होने का ये वेट कर रहा है यहाँ पे। जल्दी से इसको मैं स्टन कर देता हूँ। अब मेरी यहाँ पे फाइनल इसमें चार्ज हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको रनिंग फोर आर्म स्मैश ही मार देता हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर से लगेगी और शायद इसी में मैट हार्डी का काम तमाम हो जाए, बट अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको स्टन करके पिन बॉल बम मार दूंगा। ओके, तो ये बिल्कुल स्टन हो चुका है। मैट हार्डी काफ़ी ज़्यादा कमजोर था, तो इसको मैंने द मैन के अंदर हरा दिया जो कि फर्स्ट वाला था। अब बारी ये नेक्स्ट वाले की, तो जो कि मुझे आई थी मुझे लगता है कलिस्टो होना चाहिए, कलिस्टो मुझे वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो चलो चल के देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास पैसे, मुझे कुछ मनी यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे कलिस्टो ही दिखा रहा, तो कलिस्टो को मैं यहाँ पे डिफीट करूंगा और इसको मैं लेक्स लुगर से हराने वाला हूँ, क्योंकि लेक्स लुगर की यहाँ पे हेल्थ प्लस पे दिखा रही हूँ, कलिस्टो की माइनस पे। तो कलिस्टो तो काफ़ी आसानी से मुझे लगता है हार जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी, क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा वाला डैमेज लग रहा है। देखो कितना ज़्यादा इसको डैमेज लग रहा है ना यहाँ पे। तो मैं सोच रहा इसको पिन बॉल बॉम ही मारूंगा फाइनल वाली, शायद एक ही में इसका काम तमाम हो जाए। तो इसको यहाँ पे लग तो चुकी है पिन बॉल बॉम हो रही है धड़ाम, बहुत ज़्यादा जोर से इसको फेंका, 4000 से ज़्यादा की इसकी हेल्थ गई है। तो स्टन तो हो जानी चाहिए, अभी बचने की कोशिश कर रहा था भाई। कलिस्टो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, लास्ट टाइम तो एक ही इसमें मैं हार चुका था, बट भाई अभी भी इसने बचने की कोशिश करी है, तो अब तो ये हार जाएगा। अभी इसके फाइनल वाली पिन बॉल बॉम है, खत्म हो जाना चाहिए। अब मुझे लगता है इस बार डैमेज थोड़ा कम का लगा है, बट मुझे लगता है इसका काम तमाम हो जाएगा। देखो तो ये बिल्कुल स्टन हो चुका है, ये वाली फाइट को मैं काफ़ी आसानी से विन हो चुका हूँ। मैट हार्डी थोड़ा मतलब अपने सामने टिका था, बट कलिस्टो की हेल्थ तो वैसे भी माइनस में दिखा रहा था, तो मुझे पता था कि कलिस्टो तो काफ़ी आसानी से हार जाएगा। अब थोड़ी यहाँ पे मनी हो दिखा जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया, अभी बारी यहाँ पे केविन ओवेन की। अब केविन ओवेन तो यहाँ पे लेक्स लुगर के सामने प्लस में दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जैक रॉबर्ट से लगा देता हूँ, क्योंकि जैक रॉबर्ट का देखते हो प्लस में दिखा रहा है और केविन ओवेन माइनस में दिखा रहा है, तो ये फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं लेक्स लुगर से लड़ा रहा था किसी को भी, बट अभी अपने को जैक रॉबर्ट आ चुका है और जैक रॉबर्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे वैसे दो ही स्मैक मेरे को मारने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि अपना जैक रॉबर्ट 3 स्टार का है। तो शॉर्ट आर्म क्लोज लाइन लग चुकी है यहाँ पे केविन ओवेन को, ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर से लगी होगी, पर ये आ चुका है स्नैक। स्नैक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, केविन ओवेन स्टन भी हो चुका है, तो मैं नॉर्मल वाला मूव मार रहा हूँ स्विंगिंग नेक पर, और ये भी काफ़ी ज़्यादा जोर से लगा। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ज़्यादा हेल्थ जा रही है यहाँ पे केविन ओवेन की, तो मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता नहीं हो पाएगी। मुझे पता था ना भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काउंट करना, बट अभी मैं इसको स्टन करके फाइनल वाली मारने वाला हूँ, जिसमें कि बिल्कुल ही नो चांस हो जाएगा। जल्दी से मैं इसको यहाँ पे स्टन कर देता हूँ, 1-4 और अब खत्म भाई। अभी मैं इसको स्टन कर दिया, बट मैंने यहाँ पे इसको जंपिंग क्लोज लाइन मार दिया, क्योंकि अगर ये बचने की कोशिश कर रहा हो तो मैं इसको फाइनल स्पेक भी मार सकता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे बचने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, बच जाने देते हैं उसको, बच जा भाई बच जा, अब तो आएगा फाइनल वाली, रुको। चलो अरे यार भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसको फाइनल वाली स्मैक मारी तो थी, जो कि भाई यहाँ पे हो सकती थी जैक द स्नैक डीडीटी, बट मैं क्या करता, अच्छा वो इसने रिवर्सल दे दिया। ओ भाई रिवर्सल भी ब्लॉक है मेरा, पॉपअप पावर बम दे दिया भाई इसने, काफ़ी ज़्यादा गलती हो रही है यार मुझे पता नहीं क्यों। अब भाई खत्म है, अब लगेगा जो शॉर्ट आर्म क्लोज लाइन और बिल्कुल ही हार जाएगा, स्टन हो जाना चाहिए बिल्कुल इसको। मुझे लगता है ज़्यादा हार जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने इसको मारा है, बट भाई इसने भी मुझे पॉपअप पावर बम दे दिया, जो कि मुझको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये मुझे केविन ओवेन दे पाएगा, बट इसने दे दिया भाई, उठा के पटक दिया था मुझे नीचे की तरफ। तो ये वाली फाइट को मैं यहीं पर विन हो जाता हूँ शॉर्ट आर्म क्लोज लाइन की मदद से। अब बारी है नेक्स्ट वाली फाइट के लिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी ब्रेवाइट मुझे दिखा रहा था, हाँ ब्रेवाइट है, इसके बाद कट एंगल और उसके बाद फाइनल में फिन बैलर अपने को दिखा रहा है। तो ब्रेवाइट को तो मैं लेक्स लुगर के साथ ही ले चल रहा हूँ, क्योंकि लेक्स लुगर अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है कि लेक्स लुगर सबको हरा देगा। बट यार जैक रॉबर्ट तो काफ़ी ज़्यादा जोर से पावर बम लगा था भाई, ये भी सिस्टर एबिकट ना देते, अभी तो इसने जंपिंग क्लोज लाइन दे दिया भाई। मुझे यहाँ पे ब्रे वाइट से बच के रहना है, और ब्रे वाइट भी ज़्यादा कमजोर नहीं है भाई, ब्रे वाइट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जो कि मतलब देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है, ये डराता काफ़ी ज़्यादा है ना ये। चलो मैंने यहाँ पे इसको रिवर्सल दे दिया है, और अब इसको यहाँ पे लगने वाला है वर्टिकल सुप्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा जोर से इसको लगा है। देखो कितनी ज़्यादा हेल्थ गया, बोल सकते स्मैक से भी इतनी हेल्थ जाती, बट स्मैक से थोड़ी ज़्यादा जा सकती थी, ब्रे वाइट भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। चलो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ उसको भी फाइनली देंगे पिनबॉल बॉम्ब, लग जा अभी लग चुकी है, इसकी हेल्थ भी भाई प्लस में चल रही है, देख रहे हो ना,
ब्रे वाइट की हेल्थ भी प्लस में चल रही है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बट ये प्लस होने की वजह से थोड़ी सी इसकी प्लस हो चुकी है क्योंकि इसकी हेल्थ प्लस में चल रही थी, हीलिंग वाला इसका चल रहा था। काउंट तो हो जाएगा अभी काफ़ी आसानी से, 2 और अभी फाइनल 3। मुझे पता था ना काउंट सक्सेसफुल टाइम पे मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ये वाली फाइट को मैं विन हो चुका हूँ। अब बारी यहाँ पे कट एंगल को हराने की, तो मैं सोच रहा हूँ कट एंगल को भी लेक्स लुगर से लेके चलते और फाइनल फिन बैलर को भी मैं इसी से लड़ाऊंगा। अगर अपना लेक्स लुगर माइनस पे ना गया तो माइनस भी चल रहा है तो मुझे जैक रॉबर्ट से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि भाई मैं किसी के सामने माइनस होकर फाइट करूँ। जब मेरे पास भाई प्लस वाले भी सुपर स्टार्स हैं तो मैं क्यों माइनस वाले से फाइट करूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जैक रॉबर्ट को मैं लेके आ चुका हूँ। अब लास्ट टाइम तो इसको पावर बम लगा था, काफ़ी जोर से लगा था यार इसको, देख रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा हेल्थ चली गई। मैंने इसको यहाँ पे स्लीपर होल्ड में डाल दिया कट एंगल को, अब वैसे भी यहाँ पे कट एंगल ये देता है बट भाई मैंने इसको स्लीपर होल्ड में डाल दिया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली सबमिशन है। ओ भाई कैसी मुंडी छुराने की कोशिश कर रहा है, बट छूट चुकी है अभी, और इसकी हेल्थ भी मतलब माइनस पे जा रही है ऑटोमेटिक। वीकनेस भी अपने ऊपर लगी हुई है, बट इसके ऊपर आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें लगी हुई है, भाई इसकी तो हालत ख़राब हो जाने वाली है। अब लगेगी इसको शॉर्ट आर्म क्रॉस लाइन, मुझे लगता है इसी में कट एंगल का काम तमाम हो जाना चाहिए, बट अगर ये बचने की कोशिश करेगा तो मैं इसको यहाँ पे फाइनल जैक द स्नैक डीडीटी भी मार दूंगा। ये आ चुका अपना खतरनाक वाला स्नैक, इसी स्नैक से कटा दो तो भाई इसका काम तमाम हो ही जाएगा। अभी भी ये हार चुका है देखो, तो कट एंगल उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था बट मैंने कोशिश करी थी कि मैं इसको सबमिशन से ही हरा देता, बट इसने टैप नहीं किया था तो मुझे इसको यहाँ पे शॉर्ट आर्म क्रॉस लाइन मारने की ज़रूरत पड़ गई। ये अभी बारी है फाइनल फिन बैलर की और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ उसको लेक्स लुगर से लाता क्योंकि लेक्स लुगर प्लस पे दिखा रहा है इसके सामने और ये था मैं इनका फाइनल वाला बॉस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पावरफुल भी होगा। तो चलो देखते हैं, लेक्स लुगर भी अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ का फिन बैलर भी पावरफुल है। अब मेरी थोड़ी सी हेल्थ पहले से ही कम थी बट उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावरफुल तो मैं ही ज़्यादा और मेरी स्किल्स भी ज़्यादा बढ़िया है। स्टोरी को मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी कंप्लीट कर दूंगा मैं। मैंने इसको यहाँ पे पिनबॉल बॉम्ब मार दिया, बहुत ज़्यादा जोर से लगेगी बट मुझे पता है ये हारने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसको एक और मूव मारना ही पड़ेगा भाई, अभी नहीं हारेगा ये। बचने की देखो कोशिश कर रहा है ना, मुझे पता था भाई क्योंकि ये फाइनल वाला था तो एक ही में तो इसका काम तमाम नहीं होता। कोई बात नहीं, हम एक और दे देंगे इसको भी, स्टन हो चुका, फिर से लग चुकी इसको पिनबॉल बॉम्ब और अब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब स्टन हो जाएगा भाई, अब बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा ये, खत्म भाई फिन बैलर। देखो काउंट में जल्दी से करता हूँ, देखो बिल्कुल स्टन हो चुका है ना, तो यहाँ पे अपना दाम मेन भी कंप्लीट हो जाता है, ये वाली फाइट को मैं विन हो जाता हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, सेकंड लास्ट था यहाँ पे इनर डेमन का, इसके बाद इसका एक फाइनल वाला और बचता है तो उसको भी मैं खेलने वाला हूँ, उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में खेलूंगा। तब तक आपको मैं लूट वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ कि लूट से अपने को क्या क्या यहाँ पे मिला है। एपिसोड 6 अपना अनलॉक हो चुका है जो कि द डेमन, और इसमें भी मुझे फिन बैलर ही दिखा रहा है बट वो डेमन रूप में है, ये वाला नॉर्मल फिन बैलर था वो डेमन फिन बैलर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रहा है देखने में। तो चलो ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स अपने को कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं मिला है बट सुपर स्टार वाले से मुझे उम्मीद है कि कुछ बढ़िया मिल जाए, कुछ 4 स्टार का, क्योंकि मेरे पास 3 प्रीमियम के लूट है। अरे नहीं यार, एलाइस 3 स्टार का मुझे मिला है जो कि मुझे लगता है रिपीटेड ही होगा, बटिस्टा रिपीटेड है, 6 बार बटिस्टा रिपीट हो चुका है भाई, अब तो कुछ करो भाई, न्यू सुपर स्टार दो मुझे। कितना रिपीटेड दोगे देखो भाई, 3 स्टार का एलाइस भी मेरा मतलब रिपीटेड है, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सुपर स्टार हैं ना कि आधे से ज़्यादा मुझे रिपीटेड ही मिलते हैं, और जो कि मुझे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर बंदा बार बार रिपीटेड लगा तो फिर भाई वो बोर सा मतलब बोरिंग टाइप का हो जाता है, कुछ नया नहीं मिलता हर बार मुझे तो। बट यही यार की उम्मीद रहती है कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए अपने को, नया मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास एक 3 स्टार के लूट और मुझे मिल चुकी है, तो इसको भी ओपन करते हैं, और यहाँ पे मुझे एक न्यू सुपर स्टार मिल चुका है, तो ये काफ़ी था बढ़िया बात हो जाती है। तो चलो फिर आज की वीडियो का ये भी कर देते हैं, अगर आपको वीडियो में मजा वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और मजा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।